डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा फैन क्लब के सदस्यों के द्वारा हमीरपुर के ऐतिहासिक गांधी चौक पर भारत के वीर जवानों को जो पिछले दिनों गलवान घाटी में वीरगति को प्राप्त हुए उनको श्रद्धांजलि देते हुए मोमबत्तियां जलाकर उनको नमन किया गया। साथ में ही क्लब के सभी सदस्यों ने हमीरपुर के वीर सपूत अंकुश ठाकुर की शहादत को कोटि कोटि नमन करते हुए जब तक सूरज चांद रहेगा अंकुश तेरा नाम रहेगा जैसे नारों से श्रद्धांजलि दी। भारत सरकार से अपील की कि वे जल्द से जल्द चीन के खिलाफ कूटनीतिक रणनीति अपनाकर हमारे शहीदों का बदला ले। सभी सदस्यों ने अपने व्यापारी भाइयों से और अपने भारतवासियों से अपील की कि वे ना तो चाइना का सामान बेचें और ना चाइना का सामान खरीदें। इसी तरह हम उनको आर्थिक दृष्टि से नुकसान पहुंचाकर अपने शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं और हमें पूरा यकीन है कि हर भारतवासी भी यही चाहता है कि चाइना को कड़े से कड़ा सबक सिखाया जाए और हमारा ये प्रयास उस तरफ एक कदम होगा। इस मौके पर क्लब के अध्यक्ष संजीव शर्मा, महासचिव धर्मेश, अश्विनी कुमार रमन शर्मा, मार्गदर्शक मंडल के रजनीश गांधी, कमल ठाकुर व अन्य सदस्य मौजूद रहे और सबने एक ही जुबान में चीन का विरोध किया और साथ में चीन के सामान का भी विरोध किया। पहले तो मैं अपने सभी भाइयों का धन्यवाद करूंगा जो थोड़े से समय में इतनी संख्या में आकर उन्होंने हमारा एक मान बढ़ाया और आज जो हमारे इलाके के युवा सिपाही अंकुश ठाकुर जी जो कि वीरगति को प्राप्त हुए, एक चीनी कंडा है कि हमेशा से जब भी भारत चुप रहता है तो पीठ पीछे वार करता है, आज भी वैसा ही हुआ। और हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा फैंस क्लब की तरफ से, ये सब हमारे भाई मेंबर्स हैं, कुछ यहाँ के नागरिक हैं। हम चाहते हैं भारत सरकार से और नागरिकों से कि वो हम सब मिलकर रण लें कि हम चाइना और चाइना की हर चीज़ का बायकॉट करेंगे, चाहे इसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। ये मौका फिर नहीं आएगा मित्रों, हम सभी को एक होकर चाइना का विरोध करना होगा। प्लीज़ बायकॉट चाइना।